सोलन के HFCLU के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतर आए और जमकर लेबर अफसर के खिलाफ नारेबाजी भी की। सभी कर्मचारियों ने मिलकर रैली निकाली और उपायुक्त सोलन को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम विभाग के अधिकारियों की साठ गांठ उद्योग प्रबंधन से है, इसलिए वे पिछले डेढ़ वर्षों से उद्योग प्रबंधन पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं ला रहे हैं, इसलिए आज इन्हें मजबूरन सड़क पर उतरना पड़ा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर फिर भी उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तो वे अपना प्रदर्शन उग्र करेंगे और जिसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा। रोष प्रकट करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि उद्योग प्रबंधन और श्रम विभाग उनकी कोई बात नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि श्रम विभाग का कोई भी अधिकारी मौके का निरीक्षण करने नहीं आया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा तो उद्योग प्रबंधन के बाहर आमरण अनशन करेंगे। वे महिला कर्मी ने कहा कि उद्योग प्रबंधन महिलाओं के बिल्कुल खिलाफ है और वे महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। वही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा कि जब कर्मियों ने अपना मांग पत्र सौंपा तो उद्योग प्रबंधन ने यूनियन के तीन पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया, जिससे प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अब उद्योग में कोई माहौल बिगड़ता है तो श्रम विभाग जिला प्रशासन के साथ साथ मंत्री राजीव सहजल और श्रम मंत्री भी जिम्मेवार होंगे। वही इस बारे में लेबर इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें उद्योग में चल रही हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वे पिछले काफी समय से श्रमिकों और उद्योग प्रबंधन के बीच तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई परिणाम नहीं निकला है। निर्मल ग्राम पंचायत नोनी में रोटरी क्लब सोलन सिटी के द्वारा पौधारोपण किया गया। क्लब द्वारा पंचायत के कूड़ा संयंत्र व चेक डैमों के आसपास विभिन्न तरह के करीब 50 पौधे लगाए गए। इस मौके पर पंचायत प्रधान बलदेव ठाकुर के अलावा रोटरी क्लब के प्रधान रोहित बट्टू सहित क्लब के कई सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर इनर बहील क्लब सोलन के सदस्यों ने भी पौधारोपण में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आपको बता दें कि इस दौरान सदस्यों द्वारा रात की रानी बोगनविलिया जरकंडा एरिकेरिया आदि प्रजाति के पौधे रोपे। वहीं नौणी पंचायत के प्रधान बलदेव ठाकुर ने दोनों क्लबों का नौणी पंचायत में पौधारोपण करने के लिए आभार जताया। वहीं रोटरी क्लब के प्रधान रोहित बट्टू ने बताया कि उनके क्लब में नौणी पंचायत का पौधारोपण के लिए विशेष तौर पर इसलिए चुना क्योंकि इस पंचायत के प्रधान बलदेव ठाकुर का पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान है और उन्हें विश्वास है कि उनके द्वारा लगाए गए पौधों की नौणी पंचायत में अच्छी तरह से देखरेख होगी। बिलासपुर में पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि 26 जुलाई को बिलासपुर में स्थित शहीद स्मारक में कारगिल युद्ध विजय दिवस मनाया जाएगा। इस समारोह में हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर शहीदों की वीर नारियों को सम्मानित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस समारोह की तैयारियां शीघ्र ही पूर्ण कर ली जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस समारोह में सशस्त्र भारतीय सेना की टुकड़ी भी शहीदों को सलामी देकर नमन करेगी। इस समारोह में कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले वीर जवानों व उनके परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ अपने हाथों से पौधा लगाकर किया। उन्होंने इस मौके पर जिले में 2 लाख पौधों को लगाए जाने की बात कही। वहीं उन्होंने इसको लेकर उचित रखरखाव का भी दावा किया। कंवर ने कहा कि जीवन में पौधे काफी अहम हैं, इसलिए वे अपने विधानसभा हल्के में एक जगह को अडॉप्ट कर वहाँ पर पौधे लगाएंगे। कंवर ने उस अडॉप्ट किए जाने वाली जगह को खुद देखभाल किए जाने की बात कही है। वहीं उन्होंने गांवों में भी पंचायती भूमि पर भी मनरेगा के तहत पौधारोपण किए जाने की बात कही और पंचायती भूमि पर पौधों की नर्सरी भी तैयार की जाने की बात कही। सड़कों पर आवारा पशुओं से हो रही दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रदेश सरकार सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने को लेकर 1 अगस्त से अभियान चलाने जा रही है। ये अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहले में हिंसक किस्म के द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ा जाएगा, उन्हें गौशाला में रखा जाएगा। वहीं दूसरे चरण में आवारा सड़कों पर घूम रही गायें और अन्य पशुओं को पकड़कर
काउ संचेरी में रखा जाएगा ताकि सड़कों पर हो रही दुर्घटना को रोका जा सके। इस अभियान के तहत ऊना को आवारा पशुओं से मुक्ति भी मिलेगी और दुर्घटनाओं पर अंकुश भी लगेगा।